द्वार हीर सेवक सचिव कहा है वो दे तेरा एर भूप नित जागा आज हमें बड़ अचरज लागा। प्रायः महाराज बड़े समय से जाग जाया करते थे प्रातः काल, लेकिन आज वो अभी तक नहीं जागे हैं। मंत्री सुमंत बड़ा आश्चर्य लग रहा है क्योंकि उनके द्वारा सारे राज्य में घोषणा करा दी गई है प्रातः काल पूर्व श्री राम जी का राज्याभिषेक भी होना है, उसकी तैयारियां भी होनी है, लेकिन पता नहीं महाराज आज क्यों नहीं जागे है, क्या कारण है। एक काम करो, महलों में जाने का अधिकार केवल तुम्हें है, तो जाओ महलों में जाकर। गए सुमंत तब राउर माही देख भया बन जात डराई। महाराज के चरणों में पूछे कौन उतर देई गए जई भवन भूप के। हे महारानी, ये महाराज की दशा कैसे हो गई? महारानी महारानी महाराज की दशा क्यों हो गई हमें क्या पता, अपने मन की बात हमें कभी नहीं बताते, वहीं जाते कौशल्या भवन वहीं सब बताते। परी न राजा नींद निस सोए नहीं सारी रात, तुम्हारे महाराज सोए नहीं। अब सोए नहीं तो पूछोगे क्यों नहीं सोए। परी न राजा नींद निस हेतु जान जगदीश वह परमात्मा जाने क्यों नहीं सोए, मुझे क्या पता। राम राम रट भोर की हो सारी रात, राम 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 रटते रहे मरम न कहे महीस, मन की बात हमें नहीं बताते। आनो राम बेग बुलाई जाएगा क्या हो गया। महारानी जी जैसी आज्ञा। महाराज को क्या हो गया हमें जाय दीख रघुवंश मणि निरपति निपट कृषाज सहम परे लख सिंह नहीं मनोहो वृद्ध गजराज। माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो माँ। पिताजी की दशा माँ, हम बार पिताजी की उसी दशा को देखा है। मैं पिताजी की दशा को देख करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। आश्चर्य में मैं पड़ रहा हूं कि जिस माँ के समीप में जाता था वो माँ अपनी गोदी में बिठा लिया करती थी राम को। और पिताजी, हमारे पिताजी तो हमें हृदय से लगा लिया करते थे। माँ कारण क्या है, पिताजी की दशा क्यों, क्या हो गया पिताजी को, इनको क्या हुआ, ये कैसी मूर्छा आई है या किसी रोग ने ये घेर लिया, कैसी ये विपत्ता आई है या हमारे मंत्री सुमंत जी भी चुप हैं, माता भी चुप हैं, और ये मंत्री मंत्री मैया मैया ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं या राम से कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं यार। पिताजी की दशा क्यों है मां, हुआ है हमारे पिताजी को। और चुप चुप रहना दुख को सहना चुप चुप ये सहना कैसी ये बात
ओही कहे माता जी के दुख का कारण है क्या मां, और मोही कहे करिए जतन चुप चुप रहना मुझको बताना ये प्राणों से प्यारी माँ, ये मुझको बताना ये प्राणों से प्यारी माँ, तू तो मेरी महाता पर मेरे दो वरदान आते थे, मैंने अपने वरदान मांग लिए, उन वरदान ओ भाई भरत को योद्धा का राज मिल जाएगा, तो राम के ऊपर जो भार था उस भार का आपने निवारण कर दिया है, ये वरदान बहुत अच्छा माना है, अच्छा लगा। दूसरे वरदान में क्या मांगा? एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो राम, संसार की सभी माताएं क्या चाहती हैं, उनका बेटा बन जाए या बिगड़ जाए? प्रत्येक माता की यही लालसा रहती है कि जो बेटा है उसका बन जाए। कौन ऐसी माँ होगी जो ये ना सोचे कि हमारा बेटा ना बन जाए? हर माता यही चाहती है कि जो हमारा बेटा है वो बन जाए। तो आपने मांगा क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। बस यही तो है, मैं चाहती हूँ जो मेरा है वो बन जाए। इन्हीं विचारों को लेकर तुम्हारे लिए 14 वर्षों का बन मांगा राम, और बन जाओगे तो बन जाओगे। कभी कभी हम अपने आप में ये विचार करते थे कि थोड़ा सा समय जाकर के हम बनों में दें, जब हम जो भी तुम्हारे बचल अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे वही तो सच्चा बेटा होता है। संसार में बहुत कम है, तेही पर पितु आयुष बहुल सम्मति जानी तो आचल की लाज तेरा बेटा निभाएगा, तेरा बेटा निभाएगा। आपने हमें इतना बड़ा कर दिया है मां, और चौदह वर्षों के लिए बन ये बन जाना है।
वन में जाना है तो हमें बन जाना है। और माता का वचन निभाना है, माता का बन जाना तो बन जाना है। और ये रघुकुल बेटा, और ये रघुकुल की शान मैया तेरा बेटा।